Welcome friends to our Ankuram coaching classes. Today we are going to deal with some concepts regarding plant physiology, that is osmosis, Tauger pressure, osmotic pressure, diffusion pressure deficit and many more. Before going to these topics, we should acquire some knowledge regarding solutions. Let's begin with the solution. Solution कहाँ कहाँ बने यही जी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट तो सॉल्वेंट हमें कहाँ बुकाएगा जहाँ क्वांटिटी अधिक थी वो जहाँ क्वांटिटी अधिक वो मोर थी वो आउ सीए प्रोवाइड करता हुआ मीडियम सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुए सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट द्वारा सॉल्वेंट भीतर है सॉल्यूट मिसे एवं सॉल्यूशन तैयारी करे तमन जाने मीडियम हो जी आ जन तादरे ऐसे की मिक्सचर फॉर्मेशन कर छी तें करे सॉल्वेंट प्रोवाइड करे मीडियम और सॉल्यूट ऐसे की डिजॉल्व हो सॉल्यूट ऐसे की डिजॉल्व हो ठीक है जी तो वर्तन में जाने सॉल्यूशन के मध्ये फॉर्मेशन हो छी सॉल्यूशन फॉर्मेशन दा हे सल्ला परे हमें सॉल्यूशन को और सॉल्यूशन को क्वांटिटी छी ता नाला कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन हमें जान छथि सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट केमिस्ट्री आ ऊपर हमें डिटेल जान छिबा तो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट तो कंसंट्रेशन डिपेंड करथि बोथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऊपर जदि हमें कोनोसी सॉल्यूशन ना कंसंट्रेशन चेंज करियो चाहिबा देन हमें कोन करबा आइदर हमें सॉल्यूट को चेंज करबा बाय कीपिंग सॉल्वेंट कांस्टेंट और सॉल्वेंट को चेंज करबा बाय कीपिंग सॉल्यूट कांस्टेंट ठीक अछि तो कंसंट्रेशन को हमें चेंज करि परबा टू वे रे बाय कीपिंग फर्स्ट सॉल्यूट कांस्टेंट बाय कीपिंग सॉल्वेंट कांस्टेंट ठीक है यदि हमें सॉल्यूट को कांस्टेंट धरछन देन कंसंट्रेशन केमती अफेक्ट हो देखियो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट तो सॉल्यूट को हमें कहाँ बोले कांस्टेंट कर देते हैं मानी ये कांस्टेंट है बोल यदि ये कांस्टेंट डाला देन कंसंट्रेशन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ सॉल्वेंट दैट मींस यदि हमें सॉल्वेंट इंक्रीज करिवा देन कंसंट्रेशन डिक्रीज करिवा एग्जाम्पल सपोज आम नवा कौन सुगार क्यूब्स विथ व्टर व्टर अच्छे सुगार क्यूब पाँचटा पकड़े जी कनसनट्रेसन रही थी जब आम सुगार क्यूब पाँचटा रखिकी एक्सट्रा एमाउंट ऑफ व्टर आड करवा देन से कौन डायल्यूट हम तो मैंने कौन है तो कनसनट्रेसन डिक्रीज कला सेम फंडार आम कौन करवा कनसनट्रेसन इक्वल्स टू सल्यूट बाय सल्वेंट तो बर्तमान आम फास्ट का कांस्टेंट करते सॉल्यूट को बर्तमान का कांस्टेंट करते सॉल्वेंट को हमें कांस्टेंट करते देन कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ सॉल्यूट तो जदि आम सॉल्यूट इंक्रीज करवा देन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सेम एग्जांपल वाटर ग्लास रे पांचटा आई सुगर क्यूब अच्छे देन एक्सट्रा पांचटा सुगर क्यूब आड कर से कंसंट्रेशन बढ़ला तो स्वीटनेस बढ़ो तो अल्टीमेटली आम जानले कंसंट्रेशन अफेक्टेड हुए आइदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा डिक्रीज करवा सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा डिक्रीज करवा साइमल्टेनियसली दुटा करहब जपर्यंत से प्रोपोर्शन हो ना ठीक अच्छे तो नेक्स्ट टाइम मूव करवा वाटर पोटेंशियल ठीक अच्छे वाटर पोटेंशियल कौन आगे बुझीदेव डेफिनेशन को जीवा सपोज गोटे कंटेनर अच्छे और कंटेनर भितर वाटर मॉलिक्यूल्स माने दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स तो गोटे कंटेनर जो वाटर मॉलिक्यूल अच्छा आ से मॉलिक्यूल माने फ्री अच्छा तो तांकर से माने मूवमेंट्स करते तमें तांकर ऊपर कौन से प्रकार प्रेशर ना एक्सेप्ट आम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जदि से फ्री मूव करते तेनालीर कौन प्रेसर ना तेनाली पोटेनसीआल जी रहा कथा से अच्छी कम करा तो कम कर एक्जाम्पल आम ना सपोज गोटे रूम में दस जन पिला अच्छा नहीं जन टीम लीडर से कम कर तो टीम लीडर आबसेन्स से पे कम करें फ्री हो जगह कम कर तेणुक
आम देखा वाटर पोटेंशियल क्या कह वाटर पोटेंशियल पोटेंशियल मीन्स आम इक्वल कर सहित एनर्जी तेरे के पोटेंशियल केनर्जी अच्छी केम कर तो बर्तमान यहाँ प्योर वाटर देखे प्योर वाटर नेक्स्ट स्टेज कौन होगा से जो दस जन पिला कम कर रूम रे तो सपोज से मूवमेंट कर ठीक अच्छे तो कांध उपर आम गोटे 10 kg / 20 kg गोटे ब्याग झूल ठीक अच्छे जदि झूल तेनाली स्पीड कमीज से जी वर्क डन करुले से वर्क डन करें ना तेने परफॉर्मेंस डिक्रीज हो तेने जदि से एग्जांपल क्या सहित आसिमुलेट करवा दे कंटेनर अच्छे कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स अच्छा ठीक अच्छे तो आम कि आड करवा सॉल्यूट आम कि सॉल्यूट आड कर आड कला मैंने वाटर मॉलिक्यूल सहित से लगे ठीक अच्छे जब वाटर मॉलिक्यूल सहित लगे आ कि स्पेस अक्युपाय करेंगे स्पेस अक्युपाय करेंगे तो मैंने यार मुवमेंट्स कौन होगा डिक्रीज है मुवमेंट सब डिक्रीज हो तो डिक्रीज है मैंने परफॉर्मेंस कमीज तेणुक प्योर वाटर से भलसे परफॉर्मेंस दे पारे 100% दूसरे जेहेतु कि सॉल्यूट आड कले जेहेतु आम कि सॉल्यूट आड कले टू फॉर्म सॉल्यूशन से वाटर मुवमेंट्स डिक्रीज है पोटेंशियल पोटेंशियल कौन होगा डिक्रीज है ठीक अच्छे जदि प्योर वाटर पोटेंशियल आम डिनोट करवा सिंबल साय डब्ल्यू को सिंबल कर साय डब्ल्यू जदि प्योर वाटर आम जीरो धरवा तमें से डिक्रीज है तमें से नेगेटिव तमें वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है ठीक अच्छे तार होगा सॉल्यूशन विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर ठीक अच्छे तो बर्तमान से रूम से कम करते कांध उपर आम 10 kg / 20 kg किसी गोटे ब्याग झूलदेले जहाँफल परफॉर्मेंस डिक्रीज है बर्तमान लीडर आस कौन मुझे जानी तुम कमी कम कर से चाबुक धरी बाड़ चलें कि प्रेसर आप्लाय कर परफॉर्मेंस को इनक्रीज करा चाहते तेणुक सेम कनसेप्ट जब आप्लिकेबल करवासिमुलेट करवा दिस इज द कंटेनर एंड इट मॉलिक्यूल्स अच्छा जमीन आम पढ़ सारे भर कि सॉल्यूटर भी मॉलिक्यूल्स अच्छा बर्तमान आम कौन कले प्रेसर आप्लाय कले कौट प्रेसर आप्लाय कले एक्सटर्नाल प्रेसर आप्लाय कले रैंडमनेस एनर्जी इनक्रीज हो तो जो प्रेसर आम आप्लाय कर एनर्जी इनक्रीज करेंगे आम कौन कह प्रेसर पोटेंशियल कौन कह डिनोट कर ठीक अच्छे तो अथ देखने प्योर वाटर थी वाटर मॉलिक्यूल भलसे मुव करते जो रैंडमनेस फ्री एनर्जी को आम कह सी आम यूनिट धरवा जीरो सपोज से जीरो अच्छा किसी सॉल्यूट आड कले मुवमेंट्स डिस्टर्बेंस है भलसे मुवमेंट कर पारे तेज मुवमेंट्स डिक्रीज है तेनालीरें कौन देखे नेगेटिव गला तेने साय डब्ल्यू नेगेटिव गला क्या नेगेटिव गला कहीं सॉल्यूट आड है बोल तो जेहेतु सॉल्यूट आड कर नेगेटिव कर सॉल्यूट पोटेंशियल कौन कह सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल कौन कला वाटर रो फ्री एनर्जी को डिक्रीज करला तो मैंने से नेगेटिव रे रहइबो तो मैंने से कौन हबो नेगेटिव रे रहइबो डिनोट करबा साय एस ठीक अच्छे तो वर्तमान साय डब्ल्यू थिला तदरे आम कि सॉल्यूट आड कले आड कर सारापर सीए डिक्रीज है सॉल्यूट पोटेंशियल जैसे डिक्रीज करापर आम कले ना आम जी फ्री एनर्जी थी सेक एनर्जी आमको वापस दरकार तेज कौन कल कि प्रेसर आप्लाय कले जहाँफल से कौन होगा पुणी एक फ्री एनर्जी को इनक्रीज करा आम प्रेसर आप्लाय कर ठीक अच्छे
तो वर्तमान अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला देखिए साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल तो डेफिनेशन कौन वाटर पोटेंशियल कौन द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर and solid water present in solution. Ultimately, we can see psi w negative hela, psi s and psi p. Kahin ki negative hela? Kahin ki na solute. जो सॉलिड पोटेंशियल थी से नेगेटिव डिक्रीज करी 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 नेगे गल ठीक अच्छे तो वर्तमान आम जिते सॉलिड ऐड कर चलिया सेते परिमाण कौन हम वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो चलो ताने कौन हम वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन सॉलिड रा कंसंट्रेशन केमती डिपेंड कर देखा ठीक अच्छे क्वांटिटी of solute is directly proportional inversely proportional with solute potential कारण जिते आम क्वांटिटी बढ़े बढ़े चलिया सॉलिड पोटेंशियल से कमी कमी जी तमें वाटर पोटेंशियल से डिक्रीज करें देखे टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन है गोटे प्योर वाटर थी आउ गोटे वाटर में आम कौन कले सॉलिड पकई चलिए कंसंट्रेशन बढ़ी बढ़ चलना से है हाइपोटोनिक नेक्स्ट आम देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पड़ा ठीक अच्छे तो वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्लियर है नेक्स्ट टाइम मूव करवा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूरी मूव करवा सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो आम ऑलरेडी जानते कि आम जाना आज तीन प्रकार सॉल्यूशन अच्छे हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक तो ये तीन टा टाइप ऑफ सॉल्यूशन मुझे कहली से गोटे सॉल्यूशन को आम कहीपर जो यहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जेपर्यंत आम कंपेरेटिव तार कंपेरिजन आग आग न नहीं जब आम कंपेरिजन ने देन ए इज कंपेयर्ड विथ बी देन ए इज हाइपोटोनिक टू बी और हाइपोटोनिक टू बी और आइसोटोनिक टू बी तेनालीराम कंपेयर बेसीस कहींपर जो कौन हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक जहाँ आम बर्तमान ये जो डायग्राम देख चार्ट फिगर नहीं चार्ट फिगर फास्ट फिगर आम नहीं कौन प्योर वाटर दुटे भी नहीं प्योर वाटर ये किसी सुगार क्यूब्स सुगार बल्स आड कर सपोज चार्टा सुगार बल फोर सुगार बल आड एट सुगार बल आड ठीक अच्छे ताने आम देखा प्योर वाटर अच्छी आउ बी सी बर्तमान आम कंपेयर करा क्या बेसीस आम क्या भितर क्या भितर कंपेयर करमती किसी ना ए को बी सहित कर बी को सी सहित कर सी को डी सहित कर तो बर्तमान आम देखे प्योर वाटर में कौन सी प्रकार सॉल्यूट ना कि सी रे चार्टा सुगार क्यूब अच्छे से सॉल्यूट प्रेजेंट अच्छा तेनालीरु जेहेतु सॉल्यूट प्रेजेंट अच्छा कंसंट्रेशन टर्म आम बाहर कर कंसंट्रेशन ऑफ ए तुम जानते सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट एट सॉल्यूट जीरो अच्छी जीरो बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो सेमती बी रे कौन हम जीरो सी रे सपोज तो सॉल्वेंट आम नहीं प्योर वाटर 10 लीटर सब थे 10 लीटर इक्विवेलेंट नहीं देन सी रे कौन हम 4 बाय 10 इक्वल्स टू 0.5 एंड डी कौन हम 8 बाय 10 इक्वल्स टू 0.8 तो बर्तन आम देखा कंसंट्रेशन ए बी सी तो ए रखिले आम जीरो अच्छे ए को जो कंपेयर करा बी सहित देन से कौन अच्छे ए इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू बी तो मैंने दिजाक कंसंट्रेशन सेम अच्छे आम कौन कह आइसोटोनिक तो आम कौन कह आइसो
टर्मरिक ठीक अच्छे सेम जदि आम कंपेयर करवा ए एंड सी भितर ए रीरो अच्छे एंड सी रीरो पॉइंट फोर अच्छे आम कौन कह जेहेतु ए रम अच्छे बी सी अधिक अच्छे तेनाली सी को आम कौन कहपर ये हाइपरटोनिक सी ए कंपेरिजन ने सी है हाइपरटोनिक बा आम कौन कहपर सी कंपेरिजन ने ए है हाइपोटोनिक ठीक अच्छे ताको आम कौन कह हाइपोटोनिक कौन कहपर हाइपरटोनिक कंपेरिजन बेसिस ठीक अच्छे सेम केस आम देखा ए एंड डी भितर ए रीरो अच्छे डी अच्छे जीरो पॉइंट एट ताने डी कंसंट्रेशन अधिक अच्छे डी रि कंसंट्रेशन अच्छे ए बी भितर कंपेरिजन कले एटा कौन हम हाइपरटोनिक एंड एटा कौन हम हाइपोटोनिक तो बर्तमान आम देखिले दिजन समान थे आइसोटोनिक हो गले दिजन एक तो डिफरेन्स जन हाइपर हो जन हाइपो अच्छे ए आउ सी भितर सी हाइपरटोनिक अच्छे ए हाइपोटोनिक अच्छे ए आउ डी भितर डी हाइपोटोनिक अच्छे ए आउ हाइपोटोनिक अच्छे तो ये तीन टा केस आम देखा सी आउ डी हाइपोटोनिक अच्छे तम सी इज इक्वल टू डी ना सेमती ना जो आम सी आउ डी भितर कंपेरिजन करवा ठीक अच्छे बर्तमान आम कंपेरिजन करवा सी आउ डी भितर तो सी रे देखते कौन सी रे अच्छे जीरो पॉइंट फोर डी रेत अच्छे जीरो पॉइंट एट ताने डी ग्रेटर दैन सी ताने डी हम कौन टी हाइपरटोनिक एंड सी कौन हम हाइपोटोनिक ठीक अच्छे तो यहाँ कंपेरिजन टर्म दुटा भर कंपेयर कर सारापर आम जापर जे किए हाइपर अच्छे किए हाइपो अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट कले बर्तमान आम देखा से केमी रिलेटेड होती ऑस्मोसिस सहित टर्गर प्रेशर जहाँ भी सहित आम केमी रिलेटेड होती बर्तमान सपोज दुटा कंटेनर मिले ए कंटेनर एंड बी कंटेनर तो आम तो कौन कर कंपेरिजन बेसीस रखा जेहतु कंपेरिजन बेसीस रखा तो आम सपोज आम कनेक्ट करदे गोटे ट्यूब द्वारा ए को बी सहित मझे आम गोटे कौन मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन देखें मेम्ब्रेन को जी पूर्व आम पढ़ी नहीं सेल बायोलॉजी पार्ट मेम्ब्रेन केत टाइप अच्छा मेम्ब्रेन बेसिकली चार्टा टाइप अच्छा कहला गोटे परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इम्परमिएबल मेम्ब्रेन तो एपटे भी सल्यूशन अच्छे एपटे भी सल्यूशन अच्छे तो ये सल्यूशन कौन कंटेन कर सल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये कौन कंटेन कर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ठीक अच्छे जदि आम गोटे मेम्ब्रेन रखुच्छे से परमिएबल अच्छे तो मैंने ए कंटेनर बी कंटेनर को सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को दिजन को अलाउ कर मूवमेंट्स कौन कर दिजन को अलाउ कर मूवमेंट्स तो मैंने से सॉल्यूट को भी अलाउ कला और सॉल्वेंट को भी अलाउ कला तो आम कौन कले परमिएबल फ्रीली परमिएबल एग्जांपल है सेल वॉल ठीक अच्छे तपर आम देखा सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल मैंने हाफ मैंने क्या गोटे अलाउ कर अलाउ करूनी तो बेसिकली आम जी पढ़ुं सॉल्यूट पार्टिकल को सी अलाउ करूनी आ सॉल्वेंट को सी अलाउ करूँ आम आम चैप्टर जो पढ़िया से वाटर रिलेटेड पढ़ा ठीक अच्छे वाटर आम कौन हो सॉल्वेंट हो तो सिलेक्टिव परमिएबल मैंने से सॉल्वेंट को अलाउ तो करूँ ता सहित किसी परिमाने सम सॉल्यूट को सी अलाउ कर सम सॉल्यूट सब सॉल्यूट को नहीं सब सॉल्यूट को अलाउ करदेव देन से जगह फ्रीली परमिएबल सिलेक्टिव परमिएबल बा एनसीएट रे ता ना आउ देछि डिफरेंशियल परमिएबल से सिलेक्टिव डिफरेंशियल डिफरेंशियल और सेमी परमिएबल तो डिफरेंशियल परमिएबल को से मीन कर सेमी परमिएबल से मीन कर ठीक अच्छे तो सिलेक्टिव परमिएबल मीन्स सी सॉल्वेंट को पूरा अलाउ कर सॉल्यूट पार्टिकल को सम सॉल्यूट पार्टिकल जो नेसेसिटी अच्छे अलाउ कर इम्परमिएबल तमें से क्या भी अलाउ करूनि तो बर्तमान आम जी पढ़ा यापर प्रोसेस जो थे मेम्ब्रेन यूज होमें सब यूज करमी परमिएबल मोस्ट ऑफ द केसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आम यूज कराने ए आउ बी को आम डिफरेंशिएट कर गोटे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
membrane ne kon koriba tako alga alga kore rakhiba thik achi next move koriya bartan eti ame dekhle gote ko amara semi permeable membrane achi a container and b container a container re water achi b container re bi water achi bartan ame jump koriya kota pike ko osmosis ठीक है तो ऑस्मोसिस में जितना जान पड़े ऑस्मोसिस कौन डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेसिकली हम एडी पोर्शन कौन सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन तो केमती होजे कौन होजे डेफिनेशन मेन कौन अब बहुत ही इंपोर्टेंट जिनसे केयरफुल हमें पढ़े पड़ो ठीक है तो बर्तन दीटा कंटेनर गले ए कंटेनर बी कंटेनर ताकू अलग कराई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू तमने सी ओनली सॉल्वेंट को अलग कर सॉलिड को अलग कर बर्तन आम सल्यूशन या बाय पुटिंग सुगर क्यूब्स सपोज ये आम सुगर क्यूब्स पुट कले तो सुगर क्यूब पुट कले मैंने ये कौन है सल्यूशन यापटे प्योर वाटर अच्छे ठीक अच्छे तो आम जानते प्योर वाटर वाटर पोटेंशियल जीरो सॉल्यूशन ना नेगेटिव अच्छी तमें यार जीरो अच्छी यार नेगेटिव अच्छी तो अल्टीमेटली हम जानते हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन किए मूव कर वाटर मूव कर ठीक अच्छे क्या थ्रू मूव कर सेमी परिमाण मेम्ब्रेन थ्रू बट सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ हम तो बर्तमान आम देखा जे ए डायरेक्शन मूव कले किए वाटर पार्टिकल बात कहीपर सॉल्यूट ठीक अच्छे तो आपको आम कौन कहवा ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस मीन्स हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आसला बट डिफरेंट ये केमती डिफ्यूजन टू डिफ्यूजन रे हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल मूव हुए बट ता मझे कौन से प्रकार मेम्ब्रेन न था ठीक अच्छे कितनी कौन अच्छे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो ऑस्मोसिस है डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो ये जो मूवमेंट को आम कौन कहवा ऑस्मोसिस ठीक अच्छे जदि से मूवमेंट कर गोटे फोर्स से मूवमेंट कर फोर्स से मूवमेंट कर फोर्स मूवमेंट कर जो एरिया दे मूव कर एरिया दे कि मूव कर फोर्स मूव कर प्रेसर अप्लाए कर रिजन तो आम जानते प्रेसर इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया तो मैंने से एंटर करोटे फोर्स गोटे एरिया थ्रु से प्रेसर एक्जर्ट हो से प्रेशर को आम कौन कहवा ऑस्मोटिक प्रेशर कौन कहवा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत सारा डेफिनेशन अच्छे आम धीरे धीरे गोटे डेफिनेशन क्लारिफाय कर ठीक अच्छे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कह जो प्रेशर थ्रू रे ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस आम देखिले प्रेशर केमती अप्लाई देखिले फोर्स फॉर यूनिट एरिया तो जो प्रेशर थ्रू वाटर एंटर कर चलती सॉल्वेंट एंटर कर चलती आम कौन कहवा ऑस्मोसिस कह कि आउ गोटे डेफिनेशन आम कौन कहपर वाटर एंटर हो तो से वाटर एंटर प्रिवेंट करने गोटे नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करा पड़ो जब एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई कले कमी अप्लाई करा एट तो डायरेक्ट अप्लाई कर पारे एटू कि गोटे प्रेशर अप्लाई करा जहाँ फल से प्रेशर ट्रांसमिट हो रीजन को आसिक पहुँचे जब ये रीजन आसिक पहुँचला से अमाउंट ऑफ प्रेशर आम दबा जहाँ फल कि तार वाटर मुवमेंट सपोज ये वाटर मुवमेंट्स होती प्रेसर एपटा अप्लाई कले जहाँ फल से बालान्स हो जाए जमीन पड़ते एपुर गोटे फोर्स आसपुर गोटे सेम फोर्स आम जो दबा देन से फोर्स कैनसल होगा ये तो अल्टीमेटली फोर्स ही चलती एरिया कन्स्टांट अच्छे ये जितकी अमाउंट ऑफ फोर्स रे एंटर करमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन दबा देन से कौन हम तर मुमेंट्स रही भी आम कौन कर ऑस्मोटिक प्रेशर तो दुटा डेफिनेशन है जी प्रेसर से एंटर करा भी ऑस्मोटिक प्रेसर आतीक प्रेसर दे एंट्री बंद होने कौन कर ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक अच्छे तो वर्तमान आम देखिले आउ थे पुणी मूल मूल को जीवा स्टार्टिंग पॉइंट रे एपटू कौन हो एंटर हो वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर चलिए आम ये प्रेशर स्टार्टिंग रो अप्लाई कर चलो सडनली सपोज ये प्रेशर जाऊँ 10 बार एपटे आम अप्लाई कर चलने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार देन 10 बार तो 10 बार जो अप्लाई है से कौन है तर मुवमेंट्स स्टॉप हो गला जो 1 बार आम अप्लाई करती प्रेशर आसाला तो प्रेशर डिक्रीज हो मैंने ये सपोज 10 बार एंटर करते जो 1 बार आम अप्लाई करवा
যেটা আমি এটি ওয়ান বার অ্যাপ্লাই করি এটি নাইন বার হব কাই না গোটে বার প্রেস তো ক্যানসেল তো এটি তো টু বার অ্যাপ্লাই করি সেটা এইট বার হব এটি তো থ্রি বার অ্যাপ্লাই করি সেটা সেভেন বার হব তো এইগুলো অ্যাপ্লাই করি 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 অল্টিমেটলি আমি টেন বার এটা ডিক্রিজ হয়ে যাই এটি আসি জিরোরে পৌঁছব এপুর টেন বার তার মানে ক্যানসেল করে সারি অলরেডি ঠিক আছে তো সেটি আমার আমি প্রেসর অ্যাপ্লাই করে সারা পরে সে কম হব অসমোসিস বন্ধ হয়ে যায় তো কম করবা অসমোটিক প্রেসর ঠিক আছে তো নেক্সট আমি মুভ করিবা অসমোসিস ইন এ সেল তো গোটে সেল আছে দিস ইজ এ সেল তো আমি পুট করছি গোটে সলিউশন ঠিক আছে তো সেলকে আমি পুট করছি সলিউশন তো তা পূর্বে আমি জানবা টিকে সেল বিষয়ে এটা সপোজ এটা সপোজ সেল আছে প্ল্যান্ট সেল তো চারিপটে কম আছে সেল ওয়াল আছে এটা হলো তার প্লাজমা মেমব্রেন এটা হলো সেল ওয়াল আর তার ভিতরে বড় ভ্যাকিউল আছে আমি যদি সেল বায়োলজি পড়ছি আমি জানতে ভ্যাকিউল প্রেজেন্ট আছে আর ভ্যাকিউল কম করে সেল সাইটোপ্লাজম আছে সে সাইটোপ্লাজমর কনসেনট্রেসন মেনটেন করার হেল্প করে আর জেনারেল এই যে ভ্যাকিউল কনসেনট্রেসন মোর অধিক থাকে অ্যাজ কম্পেয়ার টু সাইটোপ্লাজম তো বর্তমানে আমি কম কলে গোটে সেলকু প্লেস কলে গোটে হাইপর তিন প্রকারের সলিউশন আছে হাই গোটে পুট করা হাইপোটোনিক সলিউশন গোটে পুট করা আইসোটোনিক সলিউশন গোটে পুট করা হাইপোটোনিক সলিউশন দেখবা রেজল্ট কম হচ্ছে তো কাহা কম্পারিজন করা সেল তো কনস্ট্যান্ট আছে বর্তমানে সলিউশন যে আছে আমার সে সলিউশন কনসেনট্রেসন চেঞ্জ করে করে যা ঠিক আছে সেল কনস্ট্যান্ট আছে আর সলিউশন কনসেনট্রেসন চেঞ্জ করে করে গেল তো ফার্স্ট কেস আমি দেখা হাইপোটোনিক সলিউশন অনেক হাইপোটোনিক তার মানে কম হয়ে এটি মোর অ্যামাউন্ট অফ সলিউট প্রেজেন্ট থাকবে ঠিক আছে তো এই কেস আমি দেখলে কম এটি মোর অ্যামাউন্ট অফ সলিউট ছিলা এটি লেস অ্যামাউন্ট অফ সলিউট ছিলা তেমনি মুভমেন্ট যে হয়েছিল অসমোটিক প্রেসর কোটু লোয়ার অসমোটিক প্রেসর টু হাইয়ার অসমোটিক প্রেসর কার মুভমেন্ট হয়েছিল ওয়াটার তো এক্সামে কোশ্চেন আসার চান্স আছে ঠিক আছে ডাইরেক্ট কোশ্চেন দেবেন ইনডাইরেক্ট কোশ্চেন দিয়ে কেমন কোশ্চেন ফ্রেমিং হবো নেক্সট নেক্সট যে ভিডিও আসছে সেটা আমি দেখবা এনসিইআরটি ভালসে রিভিজন বি করবা তো বর্তমানে আমি দেখলে যে অসমোটিক প্রেসর কার ছিল লোয়ার এয়ার লোয়ার ছিল কারণ এটি সলিউট কম আছে আর তার ওয়াটার পোটেনশিয়াল অধিক আছে তো বর্তমানে ওয়াটার পোটেনশিয়াল সহ আমি রিলেশন বাহার করিদেবা ওয়াটার পোটেনশিয়াল কেমতি রিলেটেড আছে মুভমেন্টস অফ দ ওয়াটার পোটেনশিয়াল কেমতি রিলেটেড হল এটি আমি দেখলি ওয়াটার পোটেনশিয়াল অধিক আছে মানে হায়ার ওয়াটার পোটেনশিয়াল হায়ার ওয়াটার পোটেনশিয়াল লোয়ার ওয়াটার পোটেনশিয়াল মুভ করছে দেখ সাচ্ছেন অলরেডি দিস ইজ দ লোয়ার ওয়াটার পোটেনশিয়াল দিস ইজ দ হায়ার ওয়াটার পোটেনশিয়াল তো মুভমেন্ট অফ ওয়াটার হায়ার ওয়াটার পোটেনশিয়াল টু লোয়ার ওয়াটার পোটেনশিয়াল ঠিক আছে সরি হায়ার ওয়াটার পোটেনশিয়াল টু লোয়ার ওয়াটার পোটেনশিয়াল তো বর্তমানে আমি দেখলে কোন গোটা হাইপোটোনিক সলিউশনে আমি সেলকু প্লেস করছি যাহার সলিউট অধিক আছে তার মানে তার ওয়াটার পোটেনশিয়াল সলিউট কনসেনট্রেসন আমি পড়ছি নাহলে সলিউট কনসেনট্রেসন বড় বড় গেলে ওয়াটার পোটেনশিয়াল ডিক্রিজ হয়ে যায় তার মানে এটি লেস ওয়াটার পোটেনশিয়াল থাকবে লো ওয়াটার পোটেনশিয়াল ইয়ার হাই ওয়াটার পোটেনশিয়াল থাকবে তার মানে হাইপোটোনিক সলিউশন আমি দেখবা ওয়াটার মুভমেন্ট করে দেব আমি জানি হাই ওয়াটার পোটেনশিয়াল রিজন লো ওয়াটার পোটেনশিয়াল রিজন কম হব ওয়াটার মুভ করবে ঠিক আছে এই প্রসেসকে আমি কম কহবা অসমোসিস হচ্ছে আর বাহার করছে তেমনি তো আমি কম কহবা এক্সো অসমোসিস সেটা কম কহবা এক্সো অসমোসিস তারপরে নেক্সট কেস আমি কম করছি সেল যে সলিউশন ওয়াটার পোটেনশিয়াল যেতে অছে
ମାନେ କନସେନଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଯେତିକି ଅଛି, ବାହାରେ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତାର ବି ସେତିକି ସଲ୍ୟୁଟ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବା ସରି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେତିକି ଅଛି ବା ତା କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ସେତିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ସେମ୍ ଆଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ କନସେନ୍ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଯଦି ୱାଟର୍ ଏଣ୍ଟର୍ ବି କରୁଛି ସେତିକି ୱାଟର୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଚାଲୁଥିବ, ତାମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଥିବେ, ତାମାନେ ନା ସ୍ୱେଲିଂ ହେବ ନା ସ୍କୁଇଜିଂ ହେବ। ଏଇ କେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ୱାଟର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ଫିଗର୍ ବି ତଳେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ୱାଟର୍ ବାହାରୁ ଯେହେତୁ ବାହାରିକି ଗଲା ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଲ୍ଟା ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ଲାଜମୋଲାଇଜ୍ ସେଲ୍। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଏକ୍ଜୋସ୍ମେସିସ୍ ବା ପ୍ଲାଜମୋଲିସିସ୍, ପ୍ଲାଜମୋଲାଇସିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲାଜମୋଲାଇସିସ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ ଆମେ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଥିବା ୱାଟର୍ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଏକ୍ଜୋସ୍ମୋସିସ୍ ହେଉଛି, ଏକ୍ଜୋସ୍ମୋସିସ୍ ହେବା ଫଳରେ ସେଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ଲାଜମୋଲିସିସ୍। ସେ ସେଲ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ଲାଜମୋଲାଇଜ୍ଡ ସେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଇସୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପକାଇଲେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ, ନେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାଟର୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ସେପ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସେପ୍ରେ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ପୁଟ୍ କରିବା, ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତା ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସଲ୍ୟୁଟର କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ସେଲ୍ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରୁ କମ୍ ଥିବ, ତେଣୁକରି ୱାଟର୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବାହାରେ କ'ଣ ଥିବ ଆଉ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା। ତମେ ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତାର ସଲ୍ୟୁଟ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ସଲ୍ୟୁଟ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ୱାଟର୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଅଧିକ ଥିବ, ଯେହେତୁ ଭିତରେ ସଲ୍ୟୁଟ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ୱାଟର୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କମ୍ ଥିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ୱାଟର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେବ, ହାୟର ୱାଟର୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଲୋୟର ୱାଟର୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍, ତ ୟା ଭିତରକୁ ୱାଟର୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାୟରରୁ ଲୋୟର। ୱାଟର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଥ୍ରୁ ସେମିପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅସ୍ମୋସିସ୍ କହିବା। ଯେହେତୁ ଇଏ ଭିତରକୁ ୱାଟର୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ତା ନାଁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, ଇଣ୍ଡୋ ଅସ୍ମୋସିସ୍, କ'ଣ ଦେବା, ଇଣ୍ଡୋ ଅସ୍ମୋସିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଣ୍ଡୋସ୍ମୋସିସ୍ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ତାମାନେ ସେ ସ୍ୱେଲ୍ କରିପାରିଯିବ, ତାହେଲେ ତା ସାଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ହାଇପରଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପକାଇବା, ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ଜୋସ୍ମୋସିସ୍ ୱାଟର୍ ରିମୁଭାଲ ଫଳରେ, ଆଇସୋଟୋନିକ୍ରେ ପକାଇଲେ ଯେତିକି ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ ସେତିକି ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ରହିବେ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବେ। ଆଉ ହାଇପରଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପକାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ୱାଟର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଯାହା କ'ଣ କହିବା, ଏଣ୍ଡୋ ଅସ୍ମୋସିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଫିଗର୍ ଦେଖିଦେବା, ପ୍ଲାଜମୋଲାଇସ୍ ସେଲ୍ ଜାଣିଲେ, ଆଇସୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ଆମେ ପକାଇବା, ନେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାଟର୍ ଜିରୋ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫ୍ଲାସିଡ୍ ସେଲ୍, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଫ୍ଲାସିଡ୍ ସେଲ୍। ଫ୍ଲାସିଡ୍ ସେଲ୍ ପରେ ପୁଣି ନେଟ୍ ଅଧିକ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ୱାଟର୍ ଚାଲିଥିବ, ତାମାନେ ସେ ସେଲ୍ ସେଲ୍ କରିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଟର୍ଜିଡ୍ ସେଲ୍, କ'ଣ କହିବା, ଟର୍ଜିଡ୍ ସେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲାଜମୋଲାଇସ୍ ସେଲ୍ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସେଲ୍କୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଜମୋଲାଇସ୍ ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ଫ୍ଲାସିଡ୍ ସେଲ୍ କେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଇସୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟର୍ଜିଡ୍ ସେଲ୍ କେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସେଲ୍କୁ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଜମୋଲାଇସ୍ ସେଲ୍ ବି ଦେଖିବା ପ୍ଲାଜମୋଲିସିସ୍ କେମିତି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଭାକ୍ୟୁଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜୋସ୍ମୋସିସ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରୁ ୱାଟର୍ ରିମୁଭାଲ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର୍ ସରିଯିବ ବା ଲେସ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାକ୍ୟୁଲ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍, ତ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଯଦି ୱାଟର୍ ରିମୁଭ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁଟ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତା କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଉଛି, ଇକ୍ୱାଲ୍ କାହା ସହିତ ହେବ, ଭାକ୍ୟୁଲ ସହିତ, ଭାକ୍ୟୁଲ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର୍ ଆଉ ରିମୁଭ୍ ହେବ, ତାମାନେ ଭାକ୍ୟୁଲ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି, ତା'ର କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଭାକ୍ୟୁଲରୁ ନେକ୍ସଟ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ହେବ, ନେକ୍ସଟ୍ ରିମୁଭାଲ୍ କେଉଁଠି ହେବ, ଭାକ୍ୟୁଲ ହେବ, ତ ଭାକ୍ୟୁଲ ଟୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି।
पाचम अनुख्य फास्ट जो एक्जोस्मोसिस अदर बल से देखने वाले आम जानते सेल साइटोप्लाज्म अच्छी साइटोप्लाज्म भितर वैक्यूल अच्छी वैक्यूल कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन रु अधिक वैक्यूल कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म रु अधिक वैक्यूल हाइपोटोनिक टू साइटोप्लाज्म जितने आम सेल को लेकिन पुट कर हाइपोटोनिक सल्यूशन हाइपोटोनिक सल्यूशन कंटाक्ट रहा सेल मेम्ब्रेन सहित सेल मेम्ब्रेन कंट्राक्ट रहा सहित साइटोप्लाज्म सहित तो साइटोप्लाज्म जितकी वाटर अच्छे से बाहर खींची नहीं जो फास्ट बा वाटर मूवमेंट बाहर को होगा वैक्यूल एपर्त आसन तापर जितेबाला साइटोप्लाज्म वाटर मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म रु वाटर कम हो आम जानते कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट सॉल्वेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो सॉल्यूट रो क्वांटिटी डिक्रीज हो मैंने कंसंट्रेशन इनक्रीज हो चलो इनक्रीज हो चलला फल कि समय पर जो वैक्यूल अच्छे वैक्यूल कंसंट्रेशन सहित से मैच करते वैक्यूल कंसंट्रेशन सी रिच कर एगेन साइटोप्लाज्म जो वाटर रिमूव हम वैक्यूल कंसंट्रेशन रु साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन आउ इनक्रीज हो बर्तन साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन अधिक अच्छे आज कंपेयर टू वैक्यूल से वैक्यूल हाइपोटोनिक आज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म से कम हम रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द वैक्यूल टू साइटोप्लाज्म देन साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड तो अल्टीमेटली दुटा पार्ट होगा फास्ट साइटोप्लाज्म रु आउटसाइड देन वैक्यूल टू साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड ठीक अच्छे तो एनसीईआरटी रे क्वेश्चन आसर बहुत चांस अच्छे नीट तो नेक्स्ट हम लिखिया टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर सपोज गोटे सेल अच्छे सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द वैक्यूल तो ये फिगर को आम एटी कर ऊपर कर देखिए तो बर्तमान ये आम कौन सेल वॉल दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज वैक्यूल दिस इज साइटोप्लाज्म जदि आपको आम गोटे सल्यूशन ने पुट करवा को सल्यूशन हाइपोटोनिक सल्यूशन को सल्यूशन पुट करवा हाइपोटोनिक सल्यूशन हाइपोटोनिक सल्यूशन पुट करवा मैंने कौन हम या भितर वाटर एंट्री हम वाटर एंट्री है मान या जो सेल मेम्ब्रेन अच्छे सेल मेम्ब्रेन कौन हम ताकू अकुपाय करने से निजे एनलार्ज हम एनलार्ज होगा फल यार मुमेंट्स कट हम यार मूवमेंट्स हम कहीं मुमेंट्स हम कहीं साइटोप्लाज्म भितर पशुच्छे आउ साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन गोटे प्रेसर पकाउे ठीक अच्छे सेल मेम्ब्रेन जो प्रेसर पड़ूक आम कह टर्गर प्रेसर कहीं पड़ू कहीं बाहर जो वाटर एंट्री होती सेल भितर को सेल भितर तो वॉल्यूम कांस्टेंट थी जितने एंट्री है से कौन हम अधिक वॉल्यूम ऑक्युपाई करने चेस्ट करॉल्यूम ऑक्युपाई करने सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेच होगा पड़ा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रेच होगा भितर जो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्वांटिटी बढ़े साइटोप्लाज्म कौन कर सेल मेम्ब्रेन गोटे प्रेसर पकड़े तो एनलार्ज हो सर आम से वाटर जितक आम आकुमुलेट कर तो से जो प्रेसर फल सेल मेम्ब्रेन एनलार्ज होता आम कह टर्गर प्रेसर ठीक अच्छे तो टर्गर प्रेसर आम क्या कह प्रेसर एक्जर्टेड ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर by प्रोटोप्लाज्म जो प्रेसर पकाउे सेल मेम्ब्रेन से प्रेसर को आम कौन कहला टर्गर प्रेसर सेल मेम्ब्रेन बर्तमान लगे क्या सहित सेल वॉल सहित तो बर्तमान सेल मेम्ब्रेन क्या प्रेसर पकेला सेल वॉल सहित सेल वॉल काउंटर कर सेम प्रेसर को सेल मेम्ब्रेन उपरे सेल मेम्ब्रेन काउंटर कर प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म आम कौन कह वॉल प्रेशर कहीं वॉल सेल वॉल पकोजे प्रेशर अगेंस्ट तो मैंने जानते न्यूटन लॉ जो पढ़ते कौन एवरी एक्शन हाज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जब सपोज मुझा प्रेसर दे हाथ भी ए पेन प्रेसर दूसरी ठीक अच्छे तो बर्तमान जो प्रोटोप्लाज्म
सेल मेम्ब्रेन ऊपर प्रेशर पकेला जहाँ फल कि सेल वाल ऊपर प्रेशर पकेला सेल वाल भी तापर अपोजिट प्रेशर पकेबो ताकु आमे कोन कहिबा वाल प्रेशर वाल प्रेशर ठीक अछि वाल प्रेशर रख प्रेशर अगेंस्ट द टॉलर प्रेशर तमाने ये जितकी फोर्स एटी पके चलबा जितकी प्रेशर सपोज एटी 10 बार प्रेशर पकेला तमाने ये भी 10 बार प्रेशर पकेबो तमाने सब बडे जते बडे इक्वल एंड अपोजिट हो तमाने टॉलर प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू वाल प्रेशर ठीक अछि मन कर अछि आ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू नीड में भी इंपॉर्टेंट ठीक अच्छे तो टॉर्कर प्रेशर हमें पढ़ी सारे नेक्स्ट टाइम मूव करा पड़ो तो चलिए फंक्शन कौन टॉर्कर प्रेशर जदि से सेल को इंड्यूस कर साइज बढ़ू तमें से कौन ग्रोथ को इंड्यूस कर ग्रोथ रे हेल्प कर ग्रोथ ऑफ सेल और एलॉन्गेशन ऑफ सेल ठीक अच्छे तो बर्तन आम देखिया जाए जो आम पढ़ सारी प्लाज्मोलाइट सेल फ्लैसिड सेल एंड टर्जेट सेल पार्सल टर्जेट सेल एम टॉर्कर प्रेशर काम हम आम फास्ट देखा फ्लैसिड प्लाज्मोलाइट सेल प्लाज्मोलाइट सेल कौन है तर प्रोटोप्लास्ट भितर पशी आस रिमूवल ऑफ वाटर तमाने एटा अच्छे सेल वॉल एला कौन प्रोटोप्लास्ट तो प्रोटोप्लास्ट कौन है स्क्वीज जाए पुट करवा कौन गोटे सल्यूशन हाइपोटोनिक सल्यूशन एंडोसमोसिस हम तर कौन हम वाटर पशी चलो एंडोऑस्मोसिस पुटिंग कोडिंग हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे हम प्लाज्मोलाइट सेल प्लाज्मोलाइट सेल को आम जब हाइपोटोनिक सल्यूशन पकड़ा तो कौन हम एंडोअस्मोसिस से धीरे धीरे कौन हम स्वेल कर लगे जेहेतु से स्क्वीज हो जेहेतु से स्क्वीज हो जाए से वाल उपर किसी प्रेसर पकई पारे बा सेल मेम्ब्रेन उपर किसी प्रेसर पकई पारे से आम तार टॉर्कर प्रेसर को नेगेटिव धरवा कौन धरवा टॉर्कर प्रेसर ऑफ प्लाज्मोलाइट सेल सेल इक्वल्स टू नेगेटिव दिजाक तो ऑब्जेक्टिव्स काबे नीड टॉर्कर प्रेशर ऑफ द प्लाज्मोलाइट सेल इज नेगेटिव देन आमे नेक्स्ट मूव करबा से स्वेल कर चल धीरे 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 कौन छी स्वेल कर चल छी तो बर्तन आमे देखिबा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम पकेय रख छी तो तर हम फिगर कर दो छी फर्स्ट लाइन ऑफ प्लाज्मोलाइट सेल तो से नेक्स्ट मूव होबा स्वेल करीवाला तो बर्तन एंडोस्मोसिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल अच्छे नेक्स्ट जो से स्वेल करके सेल वॉल सहित पाखापाखि लगे जाए फ्लैसिड सेल कौन कह फ्लैसिड सेल पढ़ी सारी अलरेडी फ्लैसिड सेल तो फ्लैसिड सेल कौन अच्छी वॉल ता बाटर अच्छी प्रोटो प्रोटोप्लास्ट जाए सेल मेम्ब्रेन सहित लगे चाहूँगी तो से भर टच होती तेणुकर कौन प्रकार प्रेसर आप्लाय होना से कौन देखा टॉर्कर प्रेशर ऑफ फ्लैसिड सेल के हम जीरो कहीं कौन सी प्रकार प्रेशर एगेंस्ट रे अप्लाई हो ना ठीक अच्छे तब नेक्स्ट मूव करवा पुणी एगेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आम प्लेस कर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्लेस कर
जब हाइपोटेन्यूज सॉल्यूशन प्लेस करे देन अगेन मूवमेंट ऑफ द वाटर चलिबो भीतर को तमन से आवरी लागि जो का सहित सेल वॉल सहित तमन आर तरह स्वेलिंग हो आर तरह स्वेलिंग हो जदी स्वेलिंग होला मूवमेंट ऑफ द वाटर तो चली छि तर स्वेलिंग ही चल त माने त अगेंस्ट रे बर्तन फोर्स पर स्टार्ट हो तन टॉर्गर प्रेशर डेवलप कला टॉर्गर प्रेशर बॉडी बॉडी वाला ठीक है फास्ट रे प्लाज्मा लाइट सेल थिला ता भीतर वाटर न थिला तने को तका मधले को नेगेटिव जेतो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ने पकेले से तो को वाला वाटर मूवमेंट्स भीतर को गेला जा पले से धीरे धीरे स्वेल करू छ तका को फ्लैसिड सेल जेतो तका भीतर कांटेक्ट्स नै सेल मेम्ब्रेन न सेल वॉल सहित तो कोन से प्रेशर पडुनी यदि प्रेशर न पडु छ प्रोटोप्लास्ट एक्सपेंशन होछ से तरे में को धरिया टारगेट प्रेशर को जीरो कहिने से कोन से प्रेशर अप्लाई करू नै धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म तो सेल मेम्ब्रेन से तो लागिला एंड सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से तो लागिला सेत बळे आउर एक्सपेंशन पई सेल वॉल पर प्रेशर पला सेत त टॉर्कर प्रेशर डेवलप होला तो टॉर्कर प्रेशर सेत प्रेजेंट अछि तबरे वाटर मूवमेंट सही चल छ नेक्स्ट स्टेज देखि हमें वाटर मूवमेंट सही चल छ त कम कम बे पार्शियली टर्जु त कम कम कहियो पार्शियली टर्जु पार्शियली टॉर्जिड नेक्स्ट टाइम देखिबा देर वाटर मूवमेंट से चल छी भितरु एरा प्रेशर बढ़ी बढ़ी चल छी बाहर हाइपो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन थिला भितरे ता कंपैरिजन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन थिला तैयार सॉल्यूट कॉन्स्टेंट अच्छे यार भी सॉल्यूट कॉन्स्टेंट अच्छे मूवमेंट करो अच्छे सॉल्वेंट रहा यार सॉल्वेंट मूव कर अच्छे यार भी तो ता माने यार कंसंट्रेशन जो आउटर रहा एनवायरनमेंट रहा कंसंट्रेशन डिक्रीज करियो सॉरी इंक्रीज कर चलियो कहें कि ना सॉल्वेंट रहा रिमूवल हो अच्छे अब आम जानते कन्सनट्रेसन इज इक्वल टू सल्यूट डिवाइड बाय सल्वेंट जदि सल्वेंट्र कन्सनट्रेसन डिक्रीज कला तमाने सल्यूसन कन्सनट्रेसन इनक्रीज कर सल्यूट सल्वेंट्र क्वांटीटी डिक्रीज कला कन्सनट्रेसन कौन धीरे धीरे इनक्रीज कर चलो ताने बाहर कन्सनट्रेसन इनक्रीज कर चलो भितर कन्सनट्रेसन जेहेतु ये सल्वेंट एंट्री हो सल्वेंट्र क्वांटीटी बढ़ी बढ़ी चलते तेज कौन भितर कन्सनट्रेसन डिक्रीज हो चल अर्थ एम टाइम आसो जोबले कि नेट मूवमेंट हो पार ना कमी हेनी देखा बर्तन ये प्रेसर पड़ चलिए अल्टीमेटली बाहर के प्रेजेंट अच्छे बाहर प्रेजेंट अच्छे सेल वॉल एपुर प्रेसर पड़ चे ऑस्मोटिक प्रेसर यहाँ को आम कौन कह ऑस्मोटिक प्रेसर कहीं ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस होची जेती प्रेशर से एंटर करत का मका ऑस्मोटिक प्रेशर किंतु एठे जो प्रेशर बाहर पडुची से प्रोटोप्लास्ट ले एको अपोजिट पकेबो प्रेशर त का मका पडतले टॉर्गर प्रेशर माने से वाल ऊपर भी पकोची त माने ऑस्मोटिक प्रेशर को होची काउंटर होची टॉर्गर प्रेशर ठीक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे 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 कौन हो डिक्रीज हो चलिए टॉर्गर प्रेशर इनक्रीज हो चलिए एमती गोटे स्टेज आसो जितेबले कि आउ वाटर मूवमेंट हो पारे के पारे जिते टॉर्गर प्रेशर मैक्सिमम होगा सहित इक्वाल ऑस्मोटिक प्रेशर सहित कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रु रे सेंटर को सेल भितर को एपटे जमी आम एक्जाम्पल अलरेडी पढ़ी सारी कौटी पढ़ी सारी देखा ये पढ़ले फास्ट एपटे एंट्री करूला ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रु रे आम ये प्रेशर अप्लाई कले प्रेशर अप्लाई कला वन टू थ्री फोर एक इनक्रीज कर चलना सेमती जब एक्जामपल ना बर्तमान सेल अच्छे सेल भितर को ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रु रे वाटर एंट्री कर चलिए वाल प्रेशर पड़ू तो वाल प्रेशर को आम जो धरिया वन टू थ्री एक इनक्रीज हो चलो ऑस्मोटिक प्रेशर से अनुसार टेन नाइन एट एक डिक्रीज हो चलो ठीक अच्छे एमती गोटे स्टेज आसे जो ऑस्मोटिक प्रेशर सहित टॉर्गर प्रेशर इक्वाल हो
ତା ମାନେ ତାକୁ ଅପୋଜ୍ କରିବ। ଅପୋଜ୍ କଲା ପରେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ନେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସେ ସେଲ୍କୁ ଟର୍ଜିଡ଼ ସେଲ୍। କ'ଣ କହିବା? ଟର୍ଜିଡ଼ ସେଲ୍। ଟର୍ଜିଡ଼ ସେଲ୍ କାହାକୁ କହିବା? ଯାହାକୁ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ରଖିଲେ ବି ଆଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍ମୋସିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଟର୍ଜିଡ଼ ସେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା, ଡିପିଡି, ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରେସର୍ ଡେଫିସିଟ୍। ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରେସର୍ ଡେଫିସିଟ୍ ଏଇ ନେମ୍ରେ ଅଛି ତା କନ୍ସେପ୍ଟ। ତ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସାରା କନ୍ସେପ୍ଟ କଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରେସର୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି କାହା ଥ୍ରୁରେ? ହେଉଛି ସେମି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୁରେ ହେଉଛି, ତା'ମାନେ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଅସ୍ମୋସିସ୍ ବି କହିପାରିବା, ଅସ୍ମୋସିସ୍ ପ୍ରେସର୍। ତା'ମାନେ ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ହେଉଛି ଡେଫିସିଟ୍, ଡେଫିସିଟ୍ ମାନେ କମିଛି, ତା'ମାନେ ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ କମିଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣରୁ କମିଥାଇପାରେ। କେମିତି କମିଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଲେଣି, ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ ଅଛି, ତ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ୱାଟର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଚାଲିଛି ବାଏ ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍। ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଥ୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଚାଲିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିକି ଆସିଲେ ୱାଲ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, କିଏ ପକଉଛି? ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ପକଉଛି? ପ୍ରେସର୍ ପକଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଟର୍ଗର୍ ପ୍ରେସର୍। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍। ଏଠି ବି ଟର୍ଗର୍ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଥିବ, ତ ଯେହେତୁ ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ବାହାରେ ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ଟର୍ଗର୍ ପ୍ରେସର୍ ଭିତରେ କମ୍ ଅଛି, ତା'ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ନେଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ? ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିବ, ଟର୍ଗର୍ ପ୍ରେସର୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ମାନେ ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଟର୍ଗର୍ ପ୍ରେସର୍। ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଫାଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଟର୍ଗର୍ ପ୍ରେସର୍ କିଛି ନଥିଲା, ଭାବିତ ଫ୍ଲାସିଡ୍ସ ପ୍ଲାଜମୋଲାଇଜ୍ ସେଲ୍, ସେ ଟର୍ଗର୍ ପ୍ରେସର୍ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଥିଲା। ତ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରୁଥିଲା ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଥ୍ରୁରେ, ତା'ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଅପୋଜ୍ ନଥିଲା, ବିନ୍ଦାସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଚାଲିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ୱାଟର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଟର୍ଗର୍ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଲେ, ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଫ୍ରି ଥିଲା, ତାକୁ କୌଣସି ଅପୋଜିସନ୍ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଗର୍ ପ୍ରେସର୍ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଲା, ତା'ମାନେ ତାକୁ ଅପୋଜିସନ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା କଥା କେତେ? ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଯେଉଁ ଟର୍ଗର୍ ପ୍ରେସର୍ ଫଳରେ ଯେଉଁ ତା'ର ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍, ତା ପ୍ରେସର୍ ନେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରେସର୍ ଡେଫିସିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ମାନେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ସିମ୍ପଲରେ ବୁଝିବା ଡେଫିନେସନ୍, ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରେସର୍ ବାଏ ଆଡ଼ିଂ ସଲ୍ୟୁଟ୍। ତ ଇଏ କନ୍ସେପ୍ଟ ପୁଣି କ'ଣ ଆସିଲା? ସଲ୍ୟୁଟ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତ ତାକୁ ବି ଦେଖି ନେଇଯିବା। ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା କଣ୍ଟେନର୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ୱାଟର୍ ଅଛି, ଏ କଣ୍ଟେନର୍ ୱାଟର୍ ଅଛି, ତା ସହିତ କିଛି ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ଏଠି ଆମେ କେତେଟା କଲେ, 6 ସୁଗାର, 6 ସୁଗାର ବଲ୍ ଅଛି, ତା'ମାନେ ଏହାର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ଥିବ, ତା'ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ହାଇପରଟୋନିକ୍ ହେଇଥିବ, ହାଇପରଟୋନିକ୍। ଏଇଟା ପିଓର୍ ୱାଟର୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ହାଇପୋଟୋନିକ୍। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ଆଉ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ହାଇପୋଟୋନିକ୍କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାର ୱାଟର୍, କାହିଁକି ନା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆଇସୋଟୋନିକ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟ୍ ଏନି ହାଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଲ୍ୟୁଟ୍କୁ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟକୁ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିପିଡ଼ି କେସ୍ରେ ବି ସେମିତି ହେଇପାରେ। ଅଦର୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ସଲ୍ୟୁଟ୍କୁ ଆମେ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନ ଧରିକି ସଲ୍ଭେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧରିବା, ସଲ୍ୟୁଟ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବା। କେମିତି ମୁଭ୍ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟର୍ ଯେତିକି ଅଛି ଏଠି ସେତିକି ରଖିବା, ଏଠି ବି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ରଖିବା। ଏଠି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ଅଛି ସଲ୍ୟୁଟ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ କିଛି ସୁଗାର ପାର୍ଟିକେଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ। ସପୋଜ୍ 2 ସୁଗାର ପାର୍ଟିକେଲ୍ ଆଡ଼୍ କଲୁ,
ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ଛଅଟା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କେତେଟା ଥିଲା ଜିରୋ। ତ ଯେତିକି ପ୍ରେସରରେ ଇଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବ, ଯେହେତୁ ଏହା କନସେନଟ୍ରେସନ ସୁଗାର ପାର୍ଟିକଲ ଆସିବା ଫଳରେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା, ସେତିକି ପ୍ରେସର ଆଉ ଯିବନି। ସପୋଜ ଭାବିଦିଅ ଏଠି ଥିଲା ସିକ୍ସ, ଏଠି ଥିଲା ଜିରୋ, ତ ଜିରୋରୁ ସିକ୍ସ ଯେତିକି ପ୍ରେସର ଯିବ, ଟୁରୁ ସିକ୍ସ ସେତିକି ପ୍ରେସର କ'ଣ ଯାଇଯିବ, ଯାହା ହେଲେ ଡିକ୍ରିଜ ହେବ। ଡିକ୍ରିଜ କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଏହାର କନସେନଟ୍ରେସନ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା, କୋର ବି ବ୍ଲକର କନସେନଟ୍ରେସନ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଏ ବ୍ଲକ। ତ ବି ବ୍ଲକର କନସେନଟ୍ରେସନ କେମିତି ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା, ଆମେ ୱାଟରକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସଲ୍ଭେଣ୍ଟକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସଲ୍ୟୁଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସଲ୍ୟୁଟ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଚାଲେ ତାମାନେ ତା କନସେନଟ୍ରେସନ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା, ଯଦି କନସେନଟ୍ରେସନ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା କନସେନଟ୍ରେସନ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା, ଯଦି କନସେନଟ୍ରେସନ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ବି ଡିକ୍ରିଜ ହେବ, କାହିଁକି ଅସ୍ମୋସିସ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ ହେଇଯିବ, ସ୍ଲୋ ଡାଉନ ହେଲା ମାନେ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଡିସନ ଅଫ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁଟ ପାର୍ଟିକଲ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ ପ୍ରେସର ଡେଫିସିଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଲାନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସଲ୍ୟୁଟ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଗଲା, ତ ଡେଫିସିଟ ହେଲା ସେଠି, ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ ପ୍ରେସର ଡେଫିସିଟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାରିଟା କେସ୍ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଜମୋଲାଇଜ୍ଡ ସେଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଫ୍ଲାସିଡ୍ ସେଲ, ଥାର୍ଡ କେସ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ପାର୍ସିଆଲି ଟର୍ଜିଡ୍ ସେଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ଲି ଟର୍ଜିଡ୍ ସେଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ପ୍ରେସର ଡେଫିସିଟ, ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଥ୍ରୁ ଯାଉଥିଲା, ତା ମାନେ ଡିପିଡିସ ତଳେ ଇକ୍ୱାଲ ଥିଲା, କିଛି ପ୍ରେସର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଡିକ୍ରିଜ କରେଲା, କିଏ ଡିକ୍ରିଜ କରେଲା ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର, କାଉଣ୍ଟର କଲା କାହାକୁ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର। ତ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟର କଲା ତା ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ରେଟ୍ ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଡିପିଡି। ତ ଡିପିଡିର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ମାଇନସ୍ ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର, ବୁଝାଗଲା, ଡିପିଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ମାଇନସ୍ ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର, ଅସ୍ମୋସିସ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଏଠି ଅସ୍ମୋସିସ୍ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ଲାଜମୋଲାଇଜ୍ ସେଲ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିକ୍ରିଜ ହେବ କାହିଁକିନା ୱାଟର କନସେନଟ୍ରେସନ ଭିତରେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ତାପରେ ଆହୁରି ଡିକ୍ରିଜ ହେବ, ତାର ଏଠି ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଏ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଡିକ୍ରିଜ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର ଆମେ ଦେଖିବା, ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଫ୍ଲାସିଡ୍ ସେଲ୍ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନେଗେଟିଭ, ଫ୍ଲାସିଡ୍ରେ ଜିରୋ, ପାର୍ସିଆଲ ଟର୍ଜିଡ଼୍ରେ ପଜିଟିଭ, ଆଉ ଫୁଲି ଟର୍ଜିଡ଼୍ରେ, ଫୁଲି ଟର୍ଜିଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ୱାଟର ହେଉନି, ତା ମାନେ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଏପଟୁ ଯେତିକି ଦେଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ, ହାଇପୋଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନ ଯେତିକି ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଦେଉଛି ସେପଟୁ ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର ସେତିକି ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଡାଟା ପାଇଲେ, ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର ନର୍ମାଲି ତା ଭାଲ୍ୟୁ ଜିରୋରୁ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ, ନେଗେଟିଭ ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଜିରୋରୁ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଡିପିଡି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡିପିଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଲ୍, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ଲାଜମୋଲାଇଜ୍ ସେଲ, କାହାକୁ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଜମୋଲାଇଜ୍ ସେଲ୍, ପ୍ଲାଜମୋଲାଇଜ୍ ସେଲ୍ ଦେଖିବା ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ଅଛି ଆଉ ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର ଜିରୋ ଅଛି, ତ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା କହିଲେ କ'ଣ ଡିପିଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ମାଇନସ୍ ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର। ତ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର, ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର ପ୍ଲସ୍ ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର, କାହା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେଲା ପ୍ଲାଜମୋଲାଇଜ୍ ସେଲ୍, ଠିକ୍ ତ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିପିଡି ଫର୍ କୋ ସେଲ୍, ଫ୍ଲାସିଡ୍ ସେଲ୍, କାହା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଫ୍ଲାସିଡ୍ ସେଲ୍, ଫ୍ଲାସିଡ୍ ସେଲ୍ରେ ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର ଜିରୋ ଅଛି, ଅସ୍ମୋଟିକ ପ୍ରେସର କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି,
তাহলে দেখে প্যাসেজ সেলে কম হব অসমোটিক প্রেসর মাইনাস টর্কাল প্রেসর অলরেডি পড়ে সারিছেন আর টর্কাল প্রেসর কম হয়ে টেন্স টু জিরো ইকুয়ালস টু অসমোটিক প্রেসর তাহলে ডিপিডি ইকুয়ালস টু অসমোটিক প্রেসর কোথায় হব প্যাসেজ সেল নেক্সট আমি দেখবা partially turgid normal formula में कहने चाहिए osmotic pressure में turgid pressure तो ऐठी हमें देख चंदी positive भी अच्छी यानी किसी turgid pressure अच्छी osmotic pressure भी अच्छी क्यों करें एक केस में कहाँ हवा DPD equals to osmotic pressure minus turgid pressure activity box कर दो तो next time देखिएगा fully turgid बा turgid cell osmotic pressure minus turgid pressure what at time पढ़ी सच नहीं कहाँ already osmotic pressure और turgid pressure समान अच्छी तो मैंने डीपीडी इक्वल्स टू जीरो को कैसे जीरो वाला फुल टर्जिड कैसे तो टोटल ऊपर होलसेल कंसीडर में कंप्लीट कर साले तो वर्तन नेट रैम में देखिएगा मूवमेंट्स कैम चीज हो ची यस सर डी पी डी टू ग्रेटर ठीक अच्छे तो ताको जो आम गोटे बक्स कर मन रखा चाहिए लिखा वाटर मुमेन्ट्स वाटर मुमेन्ट्स फास्ट पॉइंट आम लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर आम देखते वाटर पोटेंशियल देखते फास्ट आम देखते कौन हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल तो वर्तमान इटा में देखिया जाए वाटर पोटेंशियल है जो नेगेटिव रह जाए तो नंबर हाई वाटर पोटेंशियल में क्या होगा एग्जांपल माइनस टेन टू माइनस ट्वेल्व ओके तो नेक्स्ट टाइम में देखिएगा वाटर पोटेंशियल वाला तो रहने देगा ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर में देखिएगा लोअर osmotic pressure to higher osmotic pressure तो lower osmotic pressure कहाँ आती है osmotic pressure कहीं कहो जो कहीं की ना ज़्यादा solution का solute का concentration था जब ये osmotic pressure is directly proportional with solute का concentration जब जहाँ जितने अधिक बार मैंने solute अच्छी तब उनसे जितने hypertonic हमें जान चले hypotonic को hypertonic को movement of water तो lower ऑस्मोटिक प्रेशर तो मैंने लाख में डिया में कोई करिया लोयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन किंबा में आपको कोई करिया हाई पो टोनिक टू हाई पर टोनिक ठीक है तो लास्ट टाइम कौन देख लिया लोअर डी पी डी टू हायर डी तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से तो यार डायरेक्ट रिलेशन हम जानते हैं डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स तान सॉल्यूट कंसंट्रेशन जोटी अधिक रहेगा सेटी हायर डीपीडी रहेगा जोटी कम रहेगा सेटी लोअर डीपीडी रहेगा तो अल्टीमेटली हम देख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स प्लांट फिजियोलॉजी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में हम देखिएगा
types of transport: active transport, passive transport, diffusion, facilitated diffusion, symport, antiport, uniport. We have already discussed. Thank you.